हेलो एवरी वन दिस इज कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इस बुक से है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दिस चैप्टर दोनों बुक में ही है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जॉग्राफी में भी है वो वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड बेसिस पे है लेकिन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर है ये टोटली डिपेंड अपॉन इंडिया सो so, इसके पहले लेक्चर की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो वाट इज ट्रांसपोर्ट दैट वी नो इट इज अ मीन्स ऑफ मूवमेंट सो जो रेगुलर हम लोगों की चीजें हैं लाइक एनीथिंग क्लोथ्स फूड्स कुछ भी चीज हम लोगों को मार्केट तक मार्केट से लेने के लिए मार्केट तक पहुंचने के लिए वी नीड एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और वट एवर कोई भी प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स फैक्ट्री से मार्केट तक पहुँचाने के लिए और रॉ मेटेरियल सोर्स से uh, जो फैक्ट्री है वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी चीज बेसिकली मूवमेंट का एक जरिया होते हैं ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और द यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन डेफिनेटली नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है कितना जरूरत है टू मूव थिंग्स मतलब कहां से कहा तक जाना है ऑफ अवेलेबिलिटी प्लेस ऑफ देर यूज मतलब कह, पे क्या यूज हो रहा है क्या चाहिए वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करके एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट है वो डेफिनेटली टोटली नीट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ह्यूमन यूज वेरियस मिथॉट टू मूव गुड्स कमोडिटीज आइडिया एनीथिंग मतलब कोई चीज अगर मूव हो रही वो गुड्स इंसान हो कमोडिटीज हो देन इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है जो की लाइक like, सबसे पुराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो की लाइक अनमेटल रोड कच्चा और जो लाइक मेटल जो लाइक जो आजकल जो जैसा रास्ता बनते हैं अच्छे रास्ते पक्का रास्ता दैट इज कॉल्ड मेटल रोड तो पुराने टाइम में अनमेटल रोड में ही ज्यादातर मूवमेंट होते थे लेकिन जब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ रेलवेज आई नई-नई तरीके की ट्रांसपोर्टेशन आई तब से मेटल रोड में जाना आना स्टार्ट हुआ तब आ, अपने नीड के हिसाब से नए-नए तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की भी डेवलप्ड जैसे पाइपलाइंस, दिस ऑफ। तो आज हम लोग जो जानेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन सो इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट्स में आ सकता है एंड इसका लेंथ कितना है 56 लाख ,00 किलोमीटर

और फर्स्ट जो सीरियस अटेम्प्ट है रोडवे बनाने की वो 1943 में किया गया था द नागपुर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंट 20 ईयर रोड प्लान बना जो कि है 1961 में किसके लिए बना टू इंट्रोड्यूस इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड्स इन इंडिया अच्छे रोड्स बनाने के लिए जो कंडीशंस बिगड़े हुए थे उसको इम्प्रूव करने के लिए। को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया definitely वो क्या क्या था national highways, जिसे हम लोग बोलते हैं। स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड तो फर्स्ट हम लोग अभी जानेंगे नेशनल हाईवे बारे में द मेन रोड जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं द्वारा। उसे बोलते हैं नेशनल हाईवे ये याद रखने वाली चीज है कि कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है नेशनल हाईवे के दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और द टोटल जो लेंथ है नेशनल हाईवे की वो 1951 में कितना था 19,700 किलोमीटर लेकिन वो 2016 में वो बढ़ के कितना हुआ वन लैख एंड थाउजेंड इलेवन किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए नेशनल हाईवे बहुत नए नए नेशनल हाईवे बने हैं

लाइक गुड्स हो कॉमोडिटीज हो या फिर पैसेंजर्स हो नेशनल नेशनलिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशन मतलब कब चालू हुआ ये द नेशनल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 1995 में ये स्टार्ट हुआ आता है स्टेट हाईवे ये कौन बनाता है कौन मेंटेन करता है स्टेट हाईवे इन लाइक विद इन द स्टेट्स ये स्टेट हाईवे और ये कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे से मतलब स्टेट हाईवे से नेशनल the ये क्या करता है कनेक्शन बनाता है किस किस में डिस्ट्रिक्ट अदर इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मतलब बेसिकली एक जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सिटीज uh, होते हैं उसको कनेक्ट uh, करते हैं टोटलैंड एंड रूरल रोड ये बहुत ज्यादा है क्योंकि टोटल रोथ लैंड तो ये रूरल रोड जो होते हैं ज्यादा डेवलप भी नहीं होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रूरल एरिया हम लोग के इंडिया में बहुत ज्यादा है एंड अदर रोड में क्या क्या आता है बॉर्डर रोड एंड द इंटरनेशनल हाईवे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बी आर ओ वॉज इस्टेब्लिश इन सिक्सटी किसके लिए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस प्रिपेयरनेस थ्रू रैपिड एंड कोऑर्डिनेट इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट ग्रोथ अलॉन्ग विद एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है स्पेशलीर्दन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एंड जो लाइक बॉर्डर एरिया में जो होते हैं जो डिफेंस के जो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है इसीलिए वो uh, ताकि रैपिड एंड इम्प्रूवमेंट हो कोई प्रॉब्लम आए तो जल्दी कुछ कर पाए लाइक uh, uh, like, uh, वॉर के टाइम एनीथिंग पहुंचने के लिए उस जगह में जो जो कि पहले था, उस जगह को स्पेशली बनाने के लिए बी आ, स्पेशली आ, जो, आ, स्टेट्स है वहां पे रोड्स बनाए एंड जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स हम लोगों के पूरे इंडिया में इट्स नॉट यूनिफॉर्म डेंसिटी एक एक जगह अलग है लाइक like, जम्मू कश्मीर में बहुत कम है 12.14 किलोमीटर केरला में बहुत ज्यादा है किलोमीटर नेशनल एवरेज कितना है हम लोगों का पूरा इंडिया का इट किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 और एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि द डेंसिटी ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा हाई किधर है नॉर्दर्न स्टेट्स में एंड मेजर साउथर्न स्टेट्स में जो कि केरला में बहुत ज्यादा है और जो डेंसिटी है वो जम्मू कश्मीर में क्यों कम है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर इज अ अली रीजियन और कोई भी हिली रीजियन हो या फिर प्लेटो रीजियन हो वहां पे रोड बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द दल्टीटनल प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम तो लेकिन कंपेयर टू तो हिली एंड प्लेटो रीजियन जो प्लेन रीजियन है यहाँ पे लाइक कॉस्ट भी कम पड़ता है एंड ईजी होता है रोड्स बनाना तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के भी रोड्स बनते हैं और ज्यादा भी रोड्स बन सकते हैं ओके okay? इसीलिए लाइक हिली एरियाज कंपेयर टू तो, प्लेन एरियाज कम होते हैं रोड्स की डेंसिटी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि NHAI जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज गोल्डन क्वाड्रलेटरल जो कि स्टार्ट आ, जो कि लाइक कंस्ट्रक्ट हुआ था फॉर 5846 किलोमीटर इतना लंबा बनाने के लिए एंड 4 बाय 6 लिंक जो कि इंडिया की मेजर जो फोर सिटीज है बेग मेट्रो सिटीज को ज्वाइन करने के लिए दैट इज दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता इट इज बेसिकली फॉर लाइक चार अगर मेट्रो सिटी ज्वाइन हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बिजनेस अच्छी तरीके से किया जा, जा सकता है लोगों की मूवमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है दिज आर दिटी दैट इज न्यू डेली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता ओके दिस द फोर सिटीज एंड अलग और एक है श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना लंबा होगा फोर थाउजेंड एंड सेवेंटी सिक्स किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करेगा सिलचर इन आसाम टू पोर्ट टाउन पोरबंदर इन गुजरात इसका लेंथ होगा थ्री सिक्स फोर जीरो किलोमीटर <laughs> तो ये पूरा एकदम साउथ से इधर तक आएगा इन दोनों का मैप है दिस नॉर्थ एंड साउथ करीडर। पूरा श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड देन दिस इज ईस्ट वेस्ट करीडर। फ्रॉम सिलचर लाइक इधर है पोरबंदर टू दिस इज शिलचर ओके okay, ये पूरा एनएच ए आई का डेवलपमेंट प्लान है इसका पूरा मैप यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग ये मैप अच्छे से देख लो यहाँ से लाइक मैप पॉइंटिंग के भी इंपॉर्टेंट कुछ आ सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक बहुत आ, इजी से मैंने समझाने की कोशिश किया है तो ये आप लोग आई होप समझ में आ जाए आ जाएंगी ये टॉपिक क्योंकि ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है नहीं इजी ही है अगर मैप यूज़ करके आप लोग समझ लो तो बहुत ईजी होता है तो आप लोग कोशिश करो इस, इसको अच्छे से पढ़ना एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो आप कमेंट कर सकते मैं उसका आंसर्स देने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू